हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी वीडियोस। फ्रेंड्स, आज हम इंस्टेंट रबर डोसा बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बढ़िया और इजी रेसिपी है। स्टार्ट करेंगे बनाना। पहले हम देख लेंगे हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ली है सूजी। सूजी अगर आप एक कटोरी या स्पून के मेजरमेंट से ले रहे हैं, अगर आपके पास एक कटोरी सूजी है तो आप उसमें डालेंगे आधा कटोरी मैदा और आधा कटोरी ही चावल का आटा। चावल का आटा अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो नॉर्मल चावल हमारे पास होते हैं मिक्सी में ग्राइंड करके हम उसको पाउडर कर सकते हैं। और हमें चाहिए होगी चिली फ्लेक्स आधा छोटा चम्मच। आधा छोटा चम्मच ही मैंने नमक का लिया है। और ये मैंने लिए हैं प्याज, एक मीडियम साइज का कट करा है बारीक, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता से इसमें फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। मैंने आपको कटोरी के साथ मेजरमेंट भी बताई, अब मैं आपको स्पून के साथ बताती हूँ। मैं इसकी मेजरमेंट स्पून के साथ ले रही हूँ। ये देखिए, छोटा चम्मच है मेरे पास, दो तीन चार पाँच छह चम्मच छोटे मैंने इसमें सूजी के ऐड करे और तीन चम्मच इसमें हम मैदे के ऐड कर देंगे। मतलब जितनी हमने सूजी लेनी है, जितने हमें डोसे बनाने हैं उस हिसाब से ले लेंगे। सूजी अगर एक कटोरी है तो आधा आधा कटोरी हम बाकी चीजें लेंगे। अगर स्पून ले रहे हैं तो भी छह स्पून है तो तीन तीन स्पून डाल लेंगे। ऐसे ही तीन स्पून चावल का आटा। अब इसमें नमक और चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें जो प्याज कट करके रखे थे वो भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे और ये जो कड़ी पत्ता है इसको हम थोड़ा सा इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। 1/4 एक चौथाई इसमें डाल लेंगे हींग। हींग का फ्लेवर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी। एक गिलास मैंने पानी का इसमें ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीजों को और इसको 10 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे। 10 मिनट हो गए। ये देखिए, जो सूजी है काफी वो पानी सोक कर लेती है। पूरा एक गिलास भरकर मैंने इस पे पानी डाला था। फ्रेंड्स, इस रवा डोसा की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही रनिंग होती है, तो थोड़ा सा इसमें पानी हम और ऐड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह का ये होना चाहिए। बस अब हम डोसा बनाना स्टार्ट करेंगे। इस डोसे को हम नॉनस्टिक तवे या पैन ही में बनाएंगे, जो दूसरे तवे पर ये बढ़िया नहीं बनता। तो ये देखिए, इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। मैंने ब्रश की हेल्प से हर तरफ ऑयल लगा दिया। इस मटेरियल को तवे पर डालने से पहले फिर से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सूजी एकदम से नीचे बैठ जाती है। मिक्स कर लेंगे और इसको फ्लेम को हाई कर लेंगे। इसमें अपने आप से ये जाली जाली सी बननी स्टार्ट हो जाएगी। एक दो मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब इस पर हम हल्का हल्का बटर डाल देंगे। दो तीन मिनट अच्छे से इसको पकने दिया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये साइडों से बिल्कुल इसने किनारे छोड़ दिए। चेक कर लेंगे थोड़ा सा हम इसको।
यहाँ से इसको हम कर लेंगे फोल्ड। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना यमी और क्रिस्पी बना है ये, देखने से ही पता चल रहा होगा आपको। इसको हम गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे सांबर के साथ। सांबर की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर करी थी, एंड स्क्रीन लगी होगी, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। नारियल की चटनी यमी सी बनाकर सर्व कर सकते हैं, चाहे तो आप ब्रेकफास्ट या लंच में किसी भी टाइम आपको भूख लगे उसी टाइम इंस्टेंटली इसको बना के हम सर्व कर सकते हैं। ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और बताइए भी कि आपको आज की ये इजी सी रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर लाइक शेयर भी कीजिए, और मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।